और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी विवाद मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिंदू पक्ष के शिविल वाद को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है, हिंदू पक्ष की दलील को मान लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, जहां पर ज्ञानव्यापी विवाद मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष की याचिका हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है। सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने हिंदू पक्ष के सिविल वाद को सुनवाई योग्य माना है और स्वीकार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, जहां पर ज्ञानव्यापी विवाद मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर, सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली ये याचिका थी जिसको हाईकोर्ट ने खारिज किया है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी वक्फ बोर्ड की याचिका भी खारिज कर दी गई है हाईकोर्ट से, और कोर्ट ने मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज किया है, सुनवाई योग्य नहीं माना है, जबकि हिंदू पक्ष के सिविल वाद को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर ज्ञानव्यापी विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।